समय की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपीए अध्यक्ष को लेकर शिवसेना के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि शिवसेना यूपीए का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसे इस बारे में बात करने का नैतिक अधिकार नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूं कि संजय राउत ने यह कहा था कि अब सोनिया गांधी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, शरद पवार को यूपीए का चेयरमैन बना देना चाहिए। गणेश ठाकुर मेरे सहयोगी मुझसे ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। गणेश ठाकुर, संजय राउत के बयान पर नाना पटोले का हमला क्या मायने? जी देखिए, ये साफ बताता है कि महाविकास आघाड़ी या गठबंधन की सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है, और ये बात जो आज संजय राउत पहली बार रहे हैं तो कई बार कर चुके हैं, उसको लेकर कांग्रेस का पूरा नेतृत्व राज्य का हो या केंद्र का हो वो नाखुश है। नाना पटोले जो राज्य के प्रभारी हैं, राज्य का नेतृत्व करते हैं कांग्रेस के, तो ऐसे में उनका साफ कहना है कि क्या संजय राउत शरद पवार के स्पोक्स पर्सन है? सीधा आरोप अपने ही गठबंधन के साथी के बड़े नेता पर लगाया है और शरद पवार का नाम भी उन्होंने इसमें लाया है कि क्या वो शरद पवार के स्पोक्स पर्सन के तौर पे काम करते हैं। हमने मुख्यमंत्री को इस बारे में अवगत कराया है कि ये योग्य नहीं है, और उन्होंने शिवसेना से सीधा सवाल पूछा है कि जब आप यूपीए का हिस्सा नहीं है तो आपको यूपीए के नेतृत्व को लेकर बयान देने का अधिकार क्या है? तो ये जो नाना पटोले ने बहुत ही एग्रेसिव भूमिका ली है, उससे साफ पता चलता है कि बार बार ये बयान आने से सरकार में ठीक नहीं है, सरकार में दरार बढ़ रही है। और ये बात आज एक आगे जाकर संजय राउत ने कहा कि आज वो ये कह गए कि सोनिया गांधी की तबीयत ठीक नहीं है, तो ऐसे में नेतृत्व शरद पवार को दिया जाए। तो इस तरह के बयान जो है वो आज कहीं ना कहीं उस खाई को गहरा ही करेंगे, जिस तरीके के बयान संजय राउत दे रहे हैं या नाना पटोले दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गणेश ठाकुर इस पूरी जानकारी के लिए। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पहनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले, नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पहनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले, नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज़।